अस्सलामुअलैकुम हाजरीन और नाजरीन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। इस वक्त हम लोग सुबह सुबह उठ के जलील हो रहे हैं। सुबह सुबह उठ के हम लोग जलील क्यों हो रहे हैं, तो हमें एक गाड़ी का रिव्यू करना था और वो भाई अभी आ रहे हैं। अभी वो आते हैं तो हम आपको उनसे मिलवाते हैं। और इस वक्त देखें, सुबह ही सुबह हम लोग टिकटॉकर लैंड में क़याम किया है हम लोगों ने सुबह ही सुबह आके, और हमेशा की तरह हमारे साथ जलील होने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं राफे। और राफे बेचारा पूरी रात नहीं सोया, मैं भी पूरी रात नहीं सोया, हम दोनों बड़ी झूठ बोल रहे हैं। ये सो गया था 2 बजे, मैं नहीं सोया इसके चक्कर में। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, हम दोनों उठे हुए थे, अभी नमाज पढ़ी है और तुम्हारे लिए मैं इतना जलील हूँ, बगैरत इंसान। 20 minutes later गाड़ी हमारे पास आ चुकी है और हमारे साथ गाड़ी के ओनर मौजूद हैं। अमीर भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अमीर भाई हमें सबसे पहले ये बताएं, गाड़ी आपने कब ली थी और कितने की ली थी? यार ये मैंने 2018 में परचेज़ की थी वैसे जी, और 2019 की एंड में जो है इसको हमने बनवाने खड़ा किया था, फिर तो बीच में कोविड आ गया था जिसकी वजह से लेट हो गया प्रोजेक्ट, और ये जाके कंप्लीट हुआ है 2021 जून में। और मैं ये बताएं इसमें क्या किस किस किस्म की मॉडिफिकेशन हुई हुई है? यार इसमें मॉडिफिकेशन कोई ऐसे ख़ास नहीं हुई, बस ये है कि इसमें 4K इंजन है इसका अपना। इसमें जो है मैंने हेडर्स इंस्टॉल किए हुए इसके अपने आते हैं, और इसके 10J मैंने रिम्स बनवाए थे अलग से। ये है स्ट्रेट पाइप हुआ हुआ है। ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन आई थी, तो इसमें 5 गियर मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास है, और डिफ लॉक वगैरह है, और कोई ऐसा वो नहीं है मॉडिफिकेशन। और हमें ये बता दें इसका पेंट बहुत ही मज़े का है, ये पेंट कौन सा है? या ये पेंट कस्टम ग्रीन कह लो आप, क्योंकि 2 शेड्स मिला के ये बना था। मैं तो जा रहा था लाइम ग्रीन पे, लेकिन जब लाइम ग्रीन पे जब मिक्सिंग चल रही थी तो उस मिक्सिंग के बीच में ये कलर निकल के आया था, तो उसने मुझे दिखाया ये कलर भी है, तो फिर ये कलर फाइनल हमने किया था। बाकी तकरीबन आपकी गाड़ी स्टॉक है, लाइट्स और ये रिम्स आपने कहाँ से बनवाए थे और कितने के बनवाए थे? ये मैंने लाहौर से बनवाए थे, और मेरे ख्याल से 26 या 28 हज़ार या 25 हज़ार कुछ इस तरह का राउंड फिगर पड़ा था मुझे। और इनके ऊपर टायर प्रोफाइल क्या है? यार आगे मैं चला रहा हूँ 1.85-55 और पीछे चला रहा हूँ 1.95-50। तो ये स्टैगर्ड सेटअप है? नहीं स्टैगर्ड नहीं है, ये स्ट्रेट है। ये स्ट्रेट है अपना 10JJ दोनों मतलब चारों। और इसके इंटीरियर में क्या क्या मॉडिफिकेशन है? यार इंटीरियर इसका सादा है बिल्कुल, उसका इंटीरियर अभी मैंने कोई काम किया नहीं क्योंकि पहले मैं बाहर से करा था। अब ये है कि इसका इंटीरियर या तो मैं इसको कस्टम बनवाऊंगा जिस तरह बॉक्स बनता है और पूरा कंप्लीट होता है वो है, और या फिर देखो इसी को जो है इसको बिल्कुल कंप्लीट साफ सुथरा करके यही लगा दूंगा। अच्छा अमीर भाई हमें ये बताएं कि जो 4K इंजन है ये परफॉर्मेंस पे कोई कमी तो नहीं देता? यार परफॉर्मेंस पे कमी तो नहीं आई अल्लाह का शुक्र है, साइडवेज वगैरह भी प्रॉपर हैं इसके और डोनट्स वगैरह भी इसके प्रॉपर हैं। हाँ लेकिन ये कि जब आप लॉन्ग उस पर जाते हो लॉन्ग डोनट पे, ये लॉन्ग साइडवेज पे, तो वो ज़्यादा फिर कंटिन्यू नहीं कर पाती है, क्योंकि इसका एक तो गियर रेशियो इतना बड़ा नहीं है और दूसरी बात ये कितनी पावर नहीं है। पर हमें इसके डिफरेंशियल के बारे में बता दें, LSD है या वेल्ड करवाया है आपने? यार ये इसका अपना डिफरेंशियल है और ये लॉक है, डिफरेंशियल लॉक करवाया था मैंने, वेल्ड करवाया था, और ये वही चल रहा है इसमें। और 4K इंजन आपको क्या एवरेज दे देता है इस परफॉर्मेंस के बाद? यार इस परफॉर्मेंस के बाद तो 7-8 कह लो या मतलब 10 कर लो, क्योंकि कहीं पे जब अगर मौका मिल गया तो साइडवेज कर दी, नहीं तो फिर ये कि आप स्ट्रेट रोड पे जा रहे हो नॉर्मली तो इतना कोई इतना मसला नहीं होता फिलहाल। और आपने गाड़ी शहर में ही चलाई है या कहीं बाहर भी लेके गए इसे? नहीं यार ये टोटली शहर में चली है, टोटल शहर में चली है, और ये शहर में क्या बस डिफेंस आना जाना होता है इसमें, और ये हमारा घर है घर के पास आगे पीछे बस ट्रैक। अच्छा अमीर भाई हमें ये बताएं जो इसका साउंड है इसमें आपने क्या मॉडिफिकेशन करवाई हुई है? यार जिस तरह मैंने बताया ये स्ट्रेट पाइप हुआ हुआ है, तो ये स्ट्रेट पाइप 2 इंच के पाइप पर हुआ हुआ है, और पूरा हेडर से लेके हेडर के बाद से लेके स्ट्रेट पाइप है एंड तक, और एंड में जो है अभी मफलर लगाया हुआ मैंने, और मफलर भी मेरे ख्याल से 3.5 इंच का आउटलेट है। और ये गाड़ी लो हुई हुई है आपकी, तो ये लोअरिंग स्प्रिंग्स पे या कॉइल ओवर्स पे? यार ये लोअरिंग पे पहले थी, अभी मैंने इसको जो है कन्वर्ट करवा दिया उस पर कॉइल ओवर्स पे, आगे कॉइल ओवर्स हैं और पीछे जो है इसके नॉर्मल स्प्रिंग और शॉकर्स हैं। और जो कॉइल ओवर्स हैं
ये कौन से वाले कॉयल ओवर हैं? यार ये कन्वर्जन किट है। कन्वर्जन किट है ये। और अभी तक कन्वर्जन किट का मैं बताऊँ, लोगों से बड़ा सुना था कन्वर्जन किट जो है फ़ायदेमंद नहीं है, बेकार है, ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, वॉट एवर रीज़न। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस पर। और हमें ये बताएं, आपने इस गाड़ी पे बम्पर्स क्यों नहीं लगाए हुए, ना आगे ना पीछे? यार बम्पर्स मुझे वैसे ही पसंद नहीं थे, एक तो इसके बम्पर्स आते हैं, लेकिन मुझे ज़रा सा थोड़ा सा नेकेड लुक रखना था। अब जिस तरह मैंने बताया कि इंटीरियर के ऊपर जाना है मुझे, इंटीरियर को इसको हो सकता है मैं कस्टम करवाऊँ, इसी तरह अंदर से भी जो है इसको खाली करना है मुझे। तो एक वो जो ड्रिफ्टिंग के हिसाब से अगर देखो तो उसके अंदर मुझे बम्पर्स वगैरह की इतनी नीड नहीं है, और मुझे विदाउट बम्पर ये गाड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आपका आगे कोई प्लान है इस गाड़ी में इंजन स्वैप करने का या परफॉर्मेंस बढ़ाने का? इनिशियली है, इनिशियली जो है इसको 7K पे मुझे स्वैप करना है, और होपफुली इस साल की एंड में या अगले साल की स्टार्टिंग में इंशाल्लाह देखो 7K EFI जो आता है इसका वो करने का इरादा है इसका। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी भी गाड़ी का इसी तरह रिव्यू करें तो आप हमें इंस्टा पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और इस गाड़ी की मज़ीद मालूमात के लिए आपने कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो इस गाड़ी के ओनर का लिंक होगा, आप उनसे जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अमीर भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। बस यही था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमें इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं।